हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरिता। आप सबका सरितापुरी कुकिंग एट होम किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो क्रश। मैंगो क्रश का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में, मिल्क शेक बनाने में और कई तरह के डेजर्ट बनाने में कर सकते हैं। और आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, गर्मियों के मौसम में खूब सारे मैंगोस मिलते हैं। इसी मौसम में हम मैंगोस को इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और सर्दियों के मौसम में भी मैंगो का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर दो मैंगो लिए हैं जिसे हम इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने बारीक कट कर लिया है मैंगोस को। और दूसरी तरफ हमने तीन मैंगो लिए हैं जिसे हमने रफली कट कर लिया था। अब हम ग्राइंडिंग जार में तीन रफली कट किए हुए आम डाल देंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पेस्ट तैयार हो गई है। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में इस पेस्ट को डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं एक कप चीनी। इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे और चीनी को अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड का डालेंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो तो आप एक छोटा चम्मच इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं दो चॉप किए हुए मैंगो। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट इसे पका लेंगे। और ये देखिए, लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो ये मैंगो क्रश है एकदम तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। और ये देखिए, हमारा मैंगो क्रश ठंडा हो गया है और ये पहले से गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम इसे एक सॉफ्ट बॉटल में डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।